हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियरिंग बड़ी। सो आज की वीडियो में मैं महाडीबीटी के रिलेटेड दो अपडेट्स देने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे ऐसे ही महाडीबीटी के रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो फर्स्ट अपडेट ये है महाडीबीटी का कि आपका जो लास्ट डेट था वो फिर से एक्सटेंड हो गया है। अब लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 30 जून तक हो गया है। सो अभी तक आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो फॉर्म फिल कर लेना जल्द से जल्द। एंड कुछ भी डाउट होगा सो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मेरे चैनल पे महाडीबीटी के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, सो एक बार जाके चेकआउट कर लेना मेरा चैनल। एंड फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आपको हमारी तरफ से जल्द सोल्यूशन मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट्स के ऊपर। सो महाराष्ट्र शासन ने एक न्यू GR निकाले हैं। इस GR में जो भी लिखा है मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस GR में लिखा है कि जो VGNT स्टूडेंट्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका फॉर्म 3 साल से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है महाडीबीटी का। कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर उन्होंने आधार कार्ड अच्छे से लिंक नहीं किया था समथिंग, ये सब रीज़न की वजह से। सो 3 साल से ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है एंड इस वजह से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। सो गवर्नमेंट ने अभी इन स्टूडेंट्स के बारे में एक सोल्यूशन निकाला है। अभी इनको ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा एंड ये ऑफलाइन प्रोसेस का कुछ कंडीशन है। सो पहला कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई किए थे एंड उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम था तो ऑफलाइन तभी भर सकते हैं जब उनके साइड से आधार कार्ड का वेरिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ही वो ऑफलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। और जो सेकेंड कंडीशन है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल किए एंड उनका कोई टेक्निकल इशू की वजह से उनका फॉर्म ऑटो रिजेक्ट हो गया था सो वो स्टूडेंट्स ऑफलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। एंड थर्ड है ये है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई किए थे बट उनको अभी तक स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आया है, सो फिर वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। या फिर स्टूडेंट्स कॉलेज चेंज किए थे या फिर एजुकेशन गैप के रीज़न की वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे सो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन में जाके आपको ये सारे रीज़न बताने हैं, अगर आपका रीज़न वैलिड रहा सो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस का जो डेट है 25 मई से 24 जून तक है। सो अगर आप ये मंथ में 25 मई से 24 जून के बीच में अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया सो उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा एंड इसका कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ जो भी रहेगा 25 मई एंड 24 जून के बीच में जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन प्रोसेस करना कैसे है। सो आपको क्या करना है, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो वो कॉलेज में जाना है एंड उनसे ऑफलाइन का एक फॉर्म फिलिंग का उनसे फॉर्म मांगना है। उनको ये ऑलरेडी पता रहेगा कि ये अभी न्यू GR निकला है एंड स्टूडेंट्स को ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। सो उनको ऑफलाइन उनसे ऑफलाइन फॉर्म मांगने हैं आपको। वो फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वो फॉर्म में अटैच करके कॉलेज वाले को देना है एंड अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाता है। देन अभी कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो कॉलेज आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट्स को महाडीबीटी के ऑफिस में कैसे पहुँचाएंगे। सो आपको यही करना है कि कॉलेज में जाके आपको फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है, उसके बाद आगे कॉलेज का काम है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल पे ऐसे इंजीनियरिंग के रिलेटेड या महाडीबीटी रिलेटेड सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। सो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी ब्रांच के हो किसी में भी आपको हेल्प चाहिए सो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये सब्जेक्ट का हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, हम बहुत कंफ्यूज है सो हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। एंड महाडीबीटी के रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा सो आप कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे। मैं इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर इधर भी आप देख सकते हो @theIngineeringBuddy एंड ये _ पे ध्यान दे देना। सो कुछ भी डाउट होगा सो मुझे आप बता देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।